नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से मजे में होंगे, सुखी होंगे। इस वीडियो में मैं सबसे मायावी ग्रह राहु के अशुभ प्रभाव और उनके अशुभ प्रभावों को खत्म करने के लिए जो हमने उपाय करने हैं उनकी बात करूँगा। राहु अचानक ही फल देने में सिद्धहस्त है। यह अशुभ प्रभाव भी बहुत खतरनाक देता है और शुभ प्रभाव भी बहुत अच्छे देता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि इसको कर दें, मैं आपका ऋणी रहूंगा। मेरा वीडियो शेयर व लाइक भी कर देना, आपका धन्यवाद होगा। चलो शुरू करते हैं। पहले तो हमने यह देखना है कि हमारी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है या नहीं है। जिन मेरे व्यूअर्स को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ज्योतिष की कम नॉलेज है या नहीं भी है वो भी पता लगा सकते हैं, जो लक्षण मैं बताऊंगा कि हमारा राहु शुभ है या अशुभ है। जो संकेत मैं बताऊंगा अगर वो उनकी जिंदगी में संकेत लागू होते हैं तो वो यह समझ लें कि उनका राहु अशुभ है और वो राहु का उपाय कर ले। देखिए अशुभ राहु क्या करता है। जिनका राहु अशुभ होता है उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, ये बार बार खराब होता रहता है। एक चीज ठीक करवाएंगे दूसरी खराब होगी। आज एसी ठीक करवाया कल वॉशिंग मशीन खराब होगी, फिर वॉशिंग मशीन ठीक करवाई फिर एलईडी टीवी खराब हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं बार बार खराब होती रहेंगी। जो बाथरूम में या किचन में पानी की पाइप्स हैं या घर में कहीं भी पानी की पाइप्स हैं उनमें लीकेज होती रहेगी या घर में कई छत में लीकेज होने लग जाएगी और वो लीकेज डिटेक्ट बहुत मुश्किल से होगी, पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ से आ रहा है। लीकेज की डिटेक्शन बहुत मुश्किल से होगी। जातक के छत पर रखे गमले टूटने लगेंगे। जो गमले जातक ने अपनी छत पर रखे हैं वो क्या है, टूटने लगेंगे। जातक का अचानक ही बहुत बड़ा फजूल खर्च हो जाएगा, कहीं इधर उधर गए, दिल कराया भी जी वस्तु ले लें, काम की भी नहीं थी तब भी ले ली, बहुत बड़ा फजूल खर्च हो जाएगा। राहु अशुभ हो तो उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है उन व्यक्तियों के साथ। बार बार पैसों का नुकसान होता रहता है अगर राहु शुभ हो। राहु शुभ हो तो हरेक काम में बाधा डालता है, छोटे से छोटा काम करना वो भी बाधा डालता है। मान लो किसका दिल करा कि यार आज आइसक्रीम खाकर आते हैं तो पता चला कि आइसक्रीम वाला है ही नहीं, वहां पर आज आया ही नहीं, बेचारा आइसक्रीम भी नहीं खा सकता। संतान उसकी गलत संगति में पड़ सकती है जिससे के कारण जातक के दिल को एक धक्का लगता है। जातक अगर जॉब करता हो तो प्रमोशन में बाधा पड़ता है, कोई व्यक्ति अचानक ही आकर उसकी प्रमोशन में बाधा डाल देता है, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जातक का मन भ्रमित रहता है, हमेशा मन भ्रमित रहता है, अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है। और अगर भाई राहु ज्यादा ही शुभ हो तो उसके तो मैंने बहुत ही खतरनाक परिणाम देखे हैं। जातक इसका कत्ल तक कर सकता है, जातक सुसाइड कर सकता है, जातक रेप कर सकता है किसी का, ये ज्यादा ही अगर शुभ स्थिति में राहु पड़ा हो तो। पहले जो मैंने संकेत बताए अगर यही आपको मिल रहे हो तो राहु का उपाय आप जरूर कर देना। अब हम राहु के उपाय की बात करेंगे कि अगर राहु अशुभ स्थिति में पड़ा हो तो इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। एक तो सोमवार और शनिवार के दिन, मंडे और सैटरडे के दिन जल में थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं और वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। जो जल काले तिल डालकर जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करने में सक्षम है, इसलिए अगर राहु पीड़ित हो तो हमें बृहस्पतिवार वाले दिन पीली चीजों का दान जैसे केले हो गए, हल्दी हो गई, चने की दाल हो गई, पीली चीजों का दान बृहस्पति वाले दिन भी कर देना चाहिए। अगर राहु शुभ हो तो शनिवार शाम को जब सूर्य अस्त हो चुका हो लेकिन अभी उजाला हो, अंधेरा ना हुआ हो, तो बहते जल में नारियल, एक नारियल लेना है और बहते जल में उसको प्रवाह कर देना, जल प्रवाह कर देना है। और नीले कपड़े में एक लोहे का चाकू बांध लेना है, एक नीला कपड़ा ले लेना है, एक लोहे का चाकू उसमें बांध लेना है और इन दोनों चीजों को शनि मंदिर में दान देना है।
ये तो भाई हमने राहु के उपाय करने हैं। अब मैं राहु का मंत्र बताता हूं, अगर आप कर सके तो जिसको जरूर करना। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। अगर आप ये उपाय करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से आपका राहु शांत हो जाएगा और आपका जीवन सुखी रहेगा, सो आप लाइफ स्मूथ चलेगी। आपने मेरा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद।